हेलो एंड वेलकम टू अचम हॉबीज फ्रेंड्स। आज हम आए हैं गुड़गांव में लोकेटेड एक न्यू एंड बहुत ही ब्यूटीफुल पेट शॉप पेट्स एक्वा में, जहां पर आपको एक्वेरियम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज और एक्वेरियम फिशेस मिल जाती हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल इस शॉप को यहाँ पर सजाया गया है। जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको प्लांटेड टैंक की सभी तरह की एसेसरीज मिल जाती हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्वेरियम एसेसरीज का भंडार बना रखा है इन्होंने। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर आपको एक्वेरियम एसेसरीज मिल जाती है, फिल्टर्स, हीटर्स, साथ ही मेडिसिन, फूड, हर तरह के यहाँ पर आपको स्टॉक्स मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं फिशेज़ का स्टॉक भी आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की यहाँ पर फिशेज़ का स्टॉक भी आज आपको देखने को मिलेगा। सो एक एक करके सभी फ़िश वैराइटीज़ को भी देखेंगे और उनके प्राइजेस को भी जानेंगे। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं फ़िश टैंक्स का भी स्टॉक यहाँ पर मिल जाता है, छोटे से लेकर बड़े हर तरह के फ़िश टैंक्स मिल जाते हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इनकी ये लगी कि इन्होंने जो अपना बेटा का सेक्शन बनाया है बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है, यानी कि बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वाटर के साथ यहाँ पर आपको बेटास देखने को मिलती है। सभी बेटास को एम्पल स्पेस दिया गया है, छोटे छोटे पाउचेज में नहीं रखा गया है या छोटे छोटे ग्लासेस में नहीं रखा गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि ये जो फिशेस को काफ़ी अच्छे से रखते हैं अपने पास। सो चलिए चलते हैं शॉप ऑनर के पास। हेलो सर। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम ऋषभ जैन है, मैं पेट्स एक्वा का ओनर हूँ। हमारे यहाँ पे फ्रेश वाटर और मरीन दोनों ही वैरायटी मिल जाती है। मरीन हमारा आपको ऑन ऑर्डर मिलता है। मेरे यहाँ पे प्लांटेड और सिकलेट्स वैरायटी, हार्ड वैरायटीज दोनों ही अवेलेबल है। साथ ही साथ प्लांटेड के मटेरियल्स, प्लांट्स या फिर जो इम्पोर्टेड एक्वेरियम्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम फिशेज से स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आइए फिशेज का स्टॉक देखते हैं एक एक करके। ठीक। सो भैया जी, सबसे पहले टैंक में बताइए कौन से फिश हैं। ये सिकलेट्स हैं टैंक के अंदर जो आप देख रहे हैं जी। ये 4 इंच प्लस साइज के आपको दिख रहे हैं। ये 450 का पेयर आपको यहाँ पे मिलेगा, कोई से भी एनी, अगर आप कोई भी पिक करते हैं। इसके साथ में अगर आप देखेंगे इसमें भी सिकलेट्स हैं, जैसे येलो मॉर्फ है, ब्लू मॉर्फ है, ये आपको 250 का पेयर मिलेगा, कोई सा भी आप पिक करते हैं। अच्छा, आइए नेक्स्ट टैंक में चलते हैं जी। जी, इसमें ऑस्कर्स हैं, जो छोटे ऑस्कर है वो 550 का पेयर है, जो बड़े ऑस्कर्स है वो 650 का पेयर मिलेगा। ग्रीन टेरर आपको मेरे यहाँ पे 350 पेयर है। ज्वेल्स जो है 150 रुपीज पेयर है। ठीक है। प्लस अगर आप नियोन अकारा मेरे यहाँ देखते हैं, ये 250 रुपीज पेयर है। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट टैंक, नेक्स्ट टैंक में इधर अगर आप देखेंगे वेस्टर्न रेनबोज हैं। अच्छा, बड़े साइज में 4 इंचेस के साइज में वेस्टर्न रेनबोज हैं मेरे पास यहाँ। काफी बढ़िया साइज है वैसे। ये आपको 350 का पेयर हम लोग सेल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टैंक में आएंगे, यहाँ पे रेड आई टेट्रा जिसको हम बोलते हैं, स्कूलिंग फिश है। आप देख सकते हैं कैसे स्कूल कर रहा है ये। जी जी जी, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स भी हैं इनके ना जी। ये 80 रुपीज पेयर हम लोग सेल करते हैं। ओके। क्वांटिटी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी आप जितनी मर्जी कोई कस्टमर मंगाए उतना दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर मैं प्लांट्स भी देख रहा हूँ। प्लांट्स की काफी वैरायटी हमारे पास एनी टाइम अवेलेबल रहती है। ये 100 रुपीज पॉट होता है। अच्छा। गपीज जो है, गपीज अगर अभी आप देखें कुछ ही पीस बचे हैं उसके अंदर, तो सब सेल हो गया। ये 60 रुपीज पेयर होता है मेरे पास। इधर अगर आप टैंक में देखेंगे सियामी जलगी हीटर है, 90 रुपीज ईच है ये। अच्छा, और काफी बड़ा साइज है जी, बड़े साइज में। ठीक है। और ये इस टैंक में मेरे पास लिली गोरामी है, कोबाल्ट गोरामी है, वेस्टर्न रेनबोज हैं। साथ ही साथ अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें बॉसमैनी रेनबो भी आपको दिखेंगे जी। बॉसमैनी रेनबोज भी हैं। जो बॉसमैनी रेनबो है वो 250 का है, वेस्टर्न रेनबो 200 रुपीज पेयर है, कोबाल्ट गोरामी 150 रुपीज पेयर है, एंड जो ये बड़े साइज का लिली गोरामी है ये 200 रुपीज पेयर है। देख सकते हैं काफी बड़ा और मैसिव साइज है लिली गोरामी। ये सभी प्लांटेड के फिशेज हैं। ठीक है। और ये साथ में इस टैंक में आप देखेंगे सर्फी टेट्राज हैं एंड बीए टेट्राज हैं दोनों। ये दोनों ही 80 रुपीज पेयर हम सेल करते हैं। ठीक। बड़े साइज में। और ये साथ वाले इसमें रैम्स हैं, बैलून रैम है, ब्लू रैम्स हैं इसके अंदर। इसके अलावा हॉकी स्टिक टेट्राज हैं। ब्लू रैम्स और बैलून रैम 350 रुपीज का पेयर है। ठीक है। और जो हॉकी स्टिक है वो 80 रुपीज पेयर है। ठीक है। काफी अच्छा साइज है वैसे हॉकी स्टिक का। हॉकी स्टिक का काफी अच्छा साइज है जी जी जी। और इसके साथ ये इसके अंदर लेमन टेट्राज हैं, कुली लोचेस हैं। अगर आप देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये थोड़े से पीछे हैं ये रे। हाँ जी, नीचे की तरफ छुपे होते हैं कुली लोचेस। एक तो ये फ्रंट में ही आ गया ये रहा। हाँ जी,
कुली लोचेज है, लेमन टेट्रा है, रेड पेंसिल है इसके अंदर, ठीक है। जो कुली लोचेज है वो 90 रुपीज ईच है, लेमन टेट्रा 80 रुपीज पेयर है, रेड पेंसिल टेट्रा जो कि प्लांटेड की बहुत अच्छी फिश है, बहुत रेयरली मिलती है, ये भी 80 रुपीज पेयर है, ठीक है। और ये वाला, इसमें डेनासोनी है एंड अपने गोल्डन एलिगेटर है। डेनासोनी हमारे यहाँ 40 रुपीज पेयर है और गोल्डन एलिगेटर 90 रुपीज ईच है, ठीक। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी कलर विडोज हैं आपके पास, इनके बारे में बताइए। कलर विडो मेरे पास सारे ही बड़े साइज़ के अच्छे कलर्स के साथ आपको मिल जाएंगे, और मेरे यहाँ इस वक्त अभी बेस्ट प्राइस चल रहा है, मैं 45 रुपीज पेयर सेल कर रहा हूँ, और अगर कस्टमर कोई ज़्यादा परचेज करता है तो प्राइस और भी नेगोशिएबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये नीचे वाले टैंक में कुछ गोल्ड फिशेज हैं, इनके बारे में बताइए। गोल्ड फिशेज की काफ़ी मिक्स वैरायटी हैं, जैसे रेड एंड वाइट गोल्ड है, ये 80 रुपीज पेयर है। रेगुलर जो गोल्ड आता है हमारा वो 60 रुपीज पेयर है, और ये जो आप बड़े साइज के गोल्ड देख रहे हैं ये 200 रुपीज पेयर है, ठीक है। और ये साथ वाले, ये कोई कार्ब्स हैं, मिल्की हैं इसके अंदर, इंपोर्टेड स्केललेस कोई है और लोकल कोई है। जो लोकल कोई है वो 60 रुपीज पेयर है, जो मिल्की कोई है वो 80 रुपीज पेयर है, जो इंपोर्टेड कोई है वो 250 रुपीज पेयर है, ठीक है। और ये साथ वाले एक्वेरियम में अगर हम जाते हैं तो इसमें पोलर पैरेट है और ऑस्कर हैं, छोटे ऑस्कर्स, जो कि छोटे ऑस्कर 120 रुपीज पेयर हैं, ठीक है। पोलर पैरेट छोटे और बड़े साइज की, और प्लेटिनम वाइट कॉन्विक्ट है, ये 250 रुपीज पेयर है, ठीक है। और अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो डॉलर्स भी हैं, डॉलर भी हैं, डॉलर जो है 150 रुपीज पेयर हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। और ये नेक्स्ट टैंक में यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपने पैरेट फिशेज का एक सेटअप बनाया हुआ है, इसके बारे में बताइए। ये ए ग्रेड के रेड पैरेट है, रेड पैरेट जो मेरे यहाँ बेस्ट प्राइस है वो 750 रुपीज पेयर रहेगा। आप साइज देख सकते हैं जी, जी मार्केट में इतना बड़ा साइज के रेड पैरेट कोई भी आपको सेल नहीं करता वो मिलेगा जी जी। इस टैंक में बताइए यहाँ पर कौन कौन से फिशेज हैं इसके अंदर। मिक्स अगर आप देखेंगे तो टिम्फॉइल है एंड एल्बाइनो टिम्फॉइल है, टाइगर शार्क्स हैं, रेनबो शार्क्स हैं, प्लस एक पीस शायद ये सेवरम का भी नीचे है आप देखेंगे जी जी। ये और एक इसके अंदर अभी डेविल का भी है, रेड डेविल जी जी जी, पीछे जो कि 5 इंच के साइज में, ठीक है। जो रेड डेविल है ये 250 का ईच है, और जो हमारी टाइगर शार्क है वो 60 रुपीज पेयर है, ठीक है। एल्बाइनो टेम्पोइल 70 रुपीज पेयर है, और रेगुलर टेम्पोइल जो होती है हमारी वो 60 रुपीज पेयर है, ठीक है। जो इसमें आपको एल्बाइनो पाकू दिख रही है ये भी 60 रुपीज पेयर है, ठीक है। और ये सेवरम की बात करें तो सेवरम जो है सर 150 रुपीज ईच है। तो नेक्स्ट टैंक में चले तो इसके अंदर ब्लू गुरामी एंड गोल्ड गुरामी है, ब्लू एंड गोल्ड गुरामी ये हम सेल कर रहे हैं 80 रुपीज पेयर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपके पास बहुत सारे स्नेल्स भी हैं जी। स्नेल्स हम लोग सेल करते हैं सर 15 रुपीज ईच, ये एप्पल स्नेल्स हैं, ये 15 रुपीज ईच हैं, ठीक है। सो भैया जी जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपने बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक प्लांटेड सेटअप सेट किया हुआ है जी। इसमें कुछ फिशेज हैं, इनके बारे में बताइए। ये इसमें जर्मन रैम्स हैं, इसके अलावा बैलून रैम्स हैं एंड कुछ ब्लू रैम्स भी हैं इसमें, ठीक है। जो कि कम्युनिटी में रह रहे हैं, प्लांटेड टैंक है, लो टेक प्लांट्स के साथ, ठीक, नॉन CO2। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। क्या प्राइस है इन फिशेज का? जो रैम्स हैं वो सेम है 350 रुपीज पेयर, ठीक है। बैलून या कोई भी आप परचेज करते हैं। अच्छा अगर ये टैंक सेटअप से मुझे एक चीज़ और आपसे पूछनी है कि इस तरह के टैंक सेटअप अगर आपसे कोई बनवाना चाहे तो आप बना के दे जी 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 बिल्कुल। हम प्लांटेड मेजरली हमारी कोशिश होती है कि हम कस्टमर को जितना नेचुरल से नेचुरल सेटअप दे पाए, वही हमारी कोशिश होती है। हम प्रेफर करते हैं कि फिशेज नॉर्म ऐसे ही एम्बियंस में रहे जैसे वो रेगुलरली रहते हैं। हाँ जैसे कि मैं दिखा भी रहा हूँ व्यूवर्स को कि काफ़ी अच्छा सेटअप है, लो टेक प्लांट सेटअप है बट काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। सो भैया जी आपने एक और टैंक सेटअप किया हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांटेड सेटअप है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर ये 1 फीट बाय 2 फीट का टेरेरियम है। हाँ। इसमें आप देख सकते हैं इसमें लाइव प्लांट्स है, अगर इसमें आप देखेंगे नीचे फिशेज भी है। ये हाइड्रोफोनिक और एक्वाफोनिक का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, ठीक है। तो इस तरह के सेटअप्स भी आप बना के दे देते हो? हम सभी साइजों में कस्टम बना देते हैं।
सो भैया जी आप भी आपने यहाँ पर मिस्ट मेकर ऑन किया है और जैसा कि मैं देख रहा हूँ बहुत ही सूदिंग इफेक्ट यहाँ पर आ गया है इस टैंक में, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? जो लोग अपने घर में एक नेचर एक्वेरियम लाना चाहते हैं, नेचर के पास, मतलब जैसे हम लोग माउंटेन पे जाते हैं, कोई पहाड़ों में घूमने जाते हैं, जो एक वाइब है, वो फीलिंग है, जो सूदिंग वाइब है, वो आप अगर ऐसा अपने लिविंग रूम में या कहीं आप इंस्टॉल कराते हैं तो आपको सेम वाइब आपको यहाँ मिलेगी। लाइक वाटरफॉल भी आपको इसमें है, कुछ मिस्ट है नीचे, फिशेज भी आपको मिलेगी, तो काफी ज्यादा माइंड रिलैक्सिंग फील करते हैं। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, थोड़ा पास से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा व्यूवर्स को। यहाँ पर एक वाटरफॉल इफेक्ट आया हुआ है, प्लांट्स दिए हुए हैं, नीचे फिशेज हैं, काफ़ी सूदिंग इफेक्ट, और यहाँ पर देख सकते हैं मिस्ट मेकर लगाया हुआ है। सो इस तरह के मिस्ट मेकर्स वगैरह भी आपके पास मिल जाते हैं? बिल्कुल, स्टॉक में अवेलेबल होते हैं मेरे पास। ठीक, साथ में एक और सेटअप आपका ये देख रहा हूँ, ये इसके अंदर आप देखेंगे तो चेरी बार्ब हैं जो रेड कलर के दिख रहे हैं आपको, काफ़ी सुंदर। ये हम सेल कर रहे हैं 80 रुपीज़ पेयर। अच्छा, और कुछ श्रिम्प्स भी हैं इसमें जी ना? इसके अंदर ब्लैक श्रिम्प्स हैं, इसके अंदर चोको ब्राउन श्रिम्प है एंड कुछ ब्लू श्रिम्प्स भी हैं। ठीक है, मिक्स इसमें श्रिम्प है। ये हम सेल करते हैं 90 रुपीज़ पेयर। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये सेटअप भी लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपने एक मॉन्स्टर सेटअप भी रखा हुआ है जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पर कौन कौन से फिशेज है, क्या उनका प्राइस होगा? मॉन्स्टर में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको डिप्लोग्रामा स्नेक हेड फिश दिखेगा जी जी, काफी अच्छे साइज का स्नेक हेड है, ये करीब अराउंड 7 इंचेस का पीस है। ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है सबसे बेस्ट है पूरे दिल्ली NCR में, ओनली 280 रुपीज पर पीस। उसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से फिशेज हैं? इसके अलावा आप अगर इसमें देखेंगे बड़े साइज के कुछ हमारे पास सिकलेट हैं दो, इसके अंदर जो अराउंड 7.5 इंच के साइज के हैं, ये हम सेल कर रहे हैं 800 रुपीज पेयर। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल, खास तौर पे इसका कलर तो काफी अमेजिंग है। ये बाय कलर सिकलेट है और दूसरा पिकॉक है। ठीक है, प्लस इसके अंदर टिम्फोइल्स हैं जो कि हम, मैंने आपको बताया पहले भी, 70 रुपीज़ हम सेल करते हैं, 60-70 अकॉर्डिंग टू साइज होता है ये। इसके अंदर अगर आप देखेंगे कुछ शार्क है जो कि हम 150 का ईच देते हैं बड़े साइज में। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास मॉन्स्टर टैंक्स भी मिल जाते हैं जैसे बिग साइज के टैंक्स अगर आप हाँ जी देना चाहें तो? सभी इम्पोर्टेड और इंडियन दोनों ही तरीके के टैंक्स में हम डील करते हैं। आप अगर देखेंगे कुछ मेरे पास ये इम्पोर्टेड टैंक के सेटअप बने भी हुए अच्छा यहाँ पे रखे हुए हैं जी जी, बहुत ही ब्यूटीफुल, खासतौर पर ये एक बेटर टैंक है, काफी अमेजिंग लग रहा है देखने में। हैंग ऑन फिल्टर के साथ है विद लाइट जी जी जी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये इसका हैंग ऑन बैक सेटअप है, थोड़ा आइडिया बताएंगे किस रेट तक में मिल जाता है ये? सर जो ये आप टैंक देख रहे हैं हैंग ऑन बैक फिल्टर फिल्ट्रेशन के साथ, ये हमारा सेलिंग प्राइस है 1200 रुपये विद फिल्टर लाइट एंड ऑल इंक्लूसिव। ठीक है, और ये वाले कुछ इस तरह के सेटअप? ये इम्पोर्टेड मोल्डेड सेटअप है। ये वाले सेटअप डिपेंड करता है कि अंदर क्या मटेरियल, जो बेयर टैंक है हम लोग इसको सेल करते हैं ओनली 800 रुपीज में। ये इम्पोर्टेड टैंक्स है जो कि आपको 800 रुपीज़ के प्राइस में मिल जाएंगे। बाकी अंदर आपकी चॉइस होती है कि आप ड्रिफ्टवुड लेते हैं, कोई स्टोन्स वगैरह आप लेते हैं, सीरियस स्टोन, ड्रैगन स्टोन, दोनों ही हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं, ड्रिफ्टवुड अवेलेबल है। और ये वाले बोल्स का सेटअप जैसे? ये बेटा का बोल है क्योंकि बेटा फिश है, विदाउट ऑक्सीजन भी चल जाता है, तो बेटा का सेटअप है सर बेसिकली। ठीक है, क्या इसका प्राइस रहता है पूरे सेटअप का विद लाइट एंड ऑल? विद लाइट एंड ऑल ये विद फिश आपको कॉस्ट करता है अराउंड 1600 के आसपास। सो भैया जी जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफी ज्यादा क्वांटिटी में हमने बेटास रखी हुई है, काफी अच्छे अच्छे कलेक्शंस आपके पास हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं देख ही रहा हूँ आपने काफी ब्यूटीफुल तरीके से इन बेटास को रखा हुआ है। अच्छी बात यह है कि आपने यहाँ पर वाटर कंडीशन काफी अच्छी रखी हुई है, साथ ही यहाँ पर जो क्वालिटी में देख रहा हूँ बेटास की वो भी काफ़ी अच्छी है। कुछ यहाँ पर इस तरह के बॉक्सेस में भी हैं। कमाल की बात यह है कि बहुत से लोग जो है ना छोटी छोटी पॉली बैग्स में रखते हैं जिसमें कुछ एयर ब्रीदिंग वगैरह नहीं हो पाती, बट इसके अंदर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ होल्स भी दिए हुए हैं बेटास की प्रॉपर ब्रीदिंग के लिए। तो एक बार एक एक करके बताएंगे कौन कौन सी बेटास आपके पास है, क्या प्राइसेस रहते हैं इसके अंदर? सर मेरे पास मिक्स बेटास हैं, जैसे कुछ रोज टेल के बेटा है, जैसे ये आप देख रहे हैं फुल मून रोज टेल के बेबीज हैं, ये कंप्लीट रोज टेल इसमें, ये सेमी एडल्ट है, सेमी एडल्ट है बेसिकली। क्या होता है जब भी आप किसी शॉप से बेटा परचेज करते हैं वो आपको हर जगह आपको मिलेगा फुल ग्रोन साइज में, क्योंकि आपको इमीडिएटली देखने में अच्छा होता है, बट बीइंग अ होबिस्ट उसकी लाइफ जो है वो ज्यादा नहीं होती,
आप सेमी एडल्ट अगर आप रखते हैं तो एक आप लंबे टाइम तक उस अपने बेटा फिश के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम बेस्ट से बेस्ट सेमी एडल्ट ही कस्टमर को प्रोवाइड कराएं। जैसे कि इसके अंदर मेरे पास रोज टेल बेटा है, फुल मून बेटाज हैं, जो भी आप वाइट पीस देख रहे हैं, ये जैसे कि ये है, ये कैंडी नीमो के बेटाज हैं। ठीक है, कैंडी नीमो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है आज के डेट में मार्केट में, बट हमारा फिक्स प्राइस है। जो भी आप कैंडीज हैं वो 200 रुपीज हम ईच देते हैं, और रेगुलर कोई भी आप बेटा पिक करते हैं वो 150 रुपीज ईच है। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछूंगा, जैसे ये कैंडी वाला आप बता रहे हो, इसका जो जब ये ग्रो हो जाएंगे, मैच्योर होने पर इनके कलर्स तो आएंगे ना? जैसे कि आप जो अभी आप कैप्चर कर रहे हैं, इसके अंदर रेड, ब्लू एंड व्हाइट, ये सब कलर आएंगे, ग्रीनिश शेड आएगा। ठीक है, सब में काफी सारे कैंडी लाइक कलर्स आते हैं। ठीक है, तो हर तरह की बेटाज आपके पास मिल जाती है, और अच्छी चीज ये सेमी एडल्ट है जो कि लॉन्ग टाइम तक हम रख सकते हैं, अपनी हॉबी को एंजॉय कर सकते हैं, बेटा की हॉबी। जी जी जी। अच्छा, ये वाले कौन से हैं? ये भी कैंडीज हैं एंड रेगुलर फुल मून बेटाज और रोज टेल बेटाज हैं। अच्छा, ठीक। जैसे कैंडीज का तो आपने 200 रुपीज पर पीस बताया था, इनका क्या? जो रेगुलर बेटा आप कोई भी परचेज करते हैं एनी टाइम, मेरे यहाँ 150 का फ्लैट रेट होता है। कोई भी बेटा आप पूरे शॉप में देखेंगे तो मोर देन 50 टाइप ऑफ फिशेज हैं, 50 से प्लस बेटाज हैं। आप ऊपर की तरफ भी देखेंगे तो जैसे कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये कैंडी बेटा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। वैसे एक चीज तो माननी पड़ेगी, आपने जो बेटास को रखा है ना, बहुत ही नीटली रखा हुआ है, जो कि मोस्टली शॉपकीपर्स नहीं कर पाते। जैसे आपने कहा वाटर कंडीशन काफ़ी अच्छी रखी हुई है, इवन इनकी ब्रीदिंग का भी ध्यान रखा हुआ है कि अगर मान लीजिए स्पेस कम हो तो इस तरह के बॉक्सेस में रख दिया जिसमें होल्स हैं, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। सो इस तरह से मैं भी बाकी शॉपकीपर्स को ही यही चीज़ कहूँगा कि यार इस तरह से ही बेटास को रखो, कम से कम उनकी लाइफ तो अच्छे से वो सर्वाइव कर सकें। सो बेटास तो हमने यहाँ पर देख ली, आप थोड़ा सा एक बार अपने ड्राई सेक्शन के बारे में बताएंगे? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में आपने एसेसरीज रखी हुई हैं, साथ ही यहाँ पर फिश टैंक्स भी हैं। जी, टैंक्स की मेरे पास काफ़ी अच्छी रेंज आपको मिल जाएगी, आपको हर साइज के एक्वेरियम, इंपोर्टेड और इंडियन जो है ऑन ऑर्डर हम लोग बनाते हैं। बाकी प्रेफर करते हैं कस्टमर इंपोर्टेड टैंक्स परचेज करें, क्योंकि प्राइस वाइज 200-300 रुपए का फर्क होता है, बट जो इंपोर्टेड होते हैं आप देख सकते हैं मोल्डेड होते हैं। मेरे पास सभी साइजेस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ये 60 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, दिस वन इज अगेन 50, दिस वन इज 40, एंड नीचे आप देखेंगे वो 30 सेंटीमीटर का है। ठीक है, सो एक एस्टिमेटेड प्राइस बता दीजिए स्मॉल साइज का और ये जो मैक्सिमम इसका साइज है क्या? यहाँ पे जो मोल्डेड एक्वेरियम है, आप जिस टाइप के ये देख रहे हैं जो ओपन रहते हैं ऊपर से, ये स्टार्ट हो जाते हैं, जो इसका 30 सेंटीमीटर है वो 850 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और यही मोल्डेड में जो आप ये देख रहे हैं सामने 60 सेंटीमीटर वाला, ये इस सेगमेंट में सबसे बड़ा साइज आता है, ये कॉस्ट करता है कस्टमर को 2600 रुपीज का ओनली। ठीक है, सो मतलब अगर प्लांटेड सेटअप करना चाहे तो प्लांटेड भी कर सकते हैं इसके अंदर, किसी भी तरीके का कोई भी आप सेटअप, आप इसमें हार्डस्केप बना सकते हैं, इसके अंदर प्लांटेड आप इसको कर सकते हैं, मरीन में आप इसको बनाना चाहें मरीन में भी आप इसको बना सकते हैं। एक छोटा सा सेटअप अगर रखना चाहें मरीन का। अच्छा, ये तो आपने बता दिए कि इम्पोर्टेड जो जिनका टॉप नहीं होता, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें टॉप्स भी होते हैं, जैसे आपने ये दिखाए हुए हैं, जो बिगनर्स हैं, जो एक नया एक्वेरियम प्लान कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि ज्यादा क्लटर्ड ना हो चीजें, उसमें ये इंपोर्टेड एक्वेरियम आ जाते हैं जिसके अंदर लाइट आप देख सकते हैं, लाइट फिल्ट्रेशन, ऊपर टॉप कवर, ये सारी चीजें ऑलरेडी इनबिल्ट होती हैं। ठीक है, और ये कॉस्ट वाइज भी काफी इफेक्टिव होते हैं, मतलब कस्टमर को ज्यादा परेशानी नहीं होती, ये टैंक बस प्लग एंड प्ले होता है। ठीक है, कोई इसमें मतलब अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, फिल्टर लाइट वगैरह सब कुछ है। ठीक है, इसमें मेरे पास काफी रेंज मिल जाएगी, इसके अंदर मेरे पास माप देख रहे हैं वो 2 फीट है, 2.5 फीट के दो साइजेस हैं, इधर आप देखेंगे 480 नंबर है, ये 380 नंबर है, काफी वैरायटी मेरे पास इम्पोर्टेड टैंक्स के मिल जाएगी। इनके क्या प्राइसेस रहते हैं सर? जैसे कि ये आप देख रहे हैं 380 नंबर वाला जो टैंक है, ये कॉस्ट करता है 2800। ठीक है, विद लाइट एंड फिल्ट्रेशन ऑल इंक्लूसिव। ठीक है, जो और उससे जो बड़ा है वो 3800 का है। ठीक है, उससे बड़ा जो है वो 4800 का है। अच्छा, जिसको हम 580 बोलते हैं नंबर, उससे बड़ा है 620 है। ठीक है, वो कस्टमर को कॉस्ट करता है 5800। ठीक है, और ये कौन सी कंपनी का है मोस्टली?
कुछ ब्लू पेट के होते हैं, आरएस इलेक्ट्रिकल्स के भी आते हैं मेरे पास, मिनजेंग के होते हैं और सोबो के होते हैं। अच्छा, मतलब सारे ब्रांडेड ही मिलेंगे, सभी ब्रांड्स के ही मिलेंगे मेरे पास। ठीक है, सो एक बार अपने ड्राई सेक्शन के बारे में बता दीजिए। यहाँ पर जैसे कि मैं देख रहा हूँ काफी डिफरेंट डिफरेंट एसेसरीज हैं जी, और बहुत सी ऐसी एसेसरी है जो कि किसी और शॉप पे मैंने नहीं देखी, एक बार थोड़ा बताएंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे, ये हैंग ऑन बैक फिल्ट्रेशन में मेरे पास काफी अच्छी वैरायटी है, जैसे ये 4 फिल्टर वाला, ये 3 फिल्टर वाला, ये ड्यूल फिल्टर वाला, ठीक है, ये हैंग, ये टॉप फिल्ट्रेशन में आ जाता है, ठीक है। या अगर किसी को इम्पोर्टेड टैंक के लिए चाहिए तो उसके लिए आप ये वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो बड़े टैंक्स के लिए, जिनके पास 4 फीट 4.5 फीट 5 फीट के टैंक्स हैं, उनके लिए ये इंटरनल फिल्टर हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे मेरे पास बॉडी गार्ड के, मिनजेंग के एंड सोबो के, तीनों ब्रांड के आपको इंटरनल फिल्टर मिल जाएंगे। ये कौन सा फिल्टर है? ये सर यूज होता है कुछ लोग, जैसे कि हमारे इंडिया में टर्टल्स रखना बहुत शुभ मानते हैं, तो टर्टल्स के लिए स्पेसिफिक ये फिल्टर आते हैं मेरे पास। ठीक है, दो तरीके के मेरे पास फिल्टर है जो कि टर्टल्स के लिए ही बने हैं। ठीक है, ये बेसिकली हैंग ऑन बैग की तरह काम करते हैं, ये इनसाइड हैंग ऑन है। अच्छा, मतलब इंटरनल फिल्टर की तरह ही होता जी, ठीक है, ठीक है, इंटरनल हैंग ऑन है, ठीक है। अगर आप उसके अलावा देखेंगे, जैसे लोग प्रेफर मांगते हैं, जैसे आजकल लोगों को ना साइलेंट एयर पंप, जो कि अभी तक यूजुअली मार्केट में जो चल रहे हैं एयर पंप्स, वो काफी थोड़ी सी नॉइज करते हैं, वाइब्रेशन नॉइज होते हैं, हमिंग का साउंड आता है। हाँ जी, हमिंग साउंड आता है। इसमें मेरे पास सिंगल नोजल और डबल नोजल दोनों ही आपको मिल जाएंगे, सोबो ब्रांड के, सबसे सोबो ब्रांड के मिल जाएंगे, और बिल्कुल ही नॉइसलेस होते हैं, इसमें कोई भी वाइब्रेशन या कोई भी हमिंग नॉइस नहीं होती। स्पॉन्ज फिल्टर की वैरायटी मेरे पास मिल जाएगी, जैसे ये तो बहुत डिफरेंट है वैसे, है ना, ये काफी यूनिक अभी न्यू प्रोडक्ट आया है सोबो में, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके अंदर बायोमीडिया भी है। अच्छा, अगर आप ऊपर की तरफ से देखेंगे तो अंदर एक स्टोन भी है, एयर स्टोन जिसको बोलते हैं। ओके, तो फिशेस के लिए बायोमीडिया कैप्चर करने के लिए भी काफी अच्छी चीज आई। ये किस प्राइस तक का आता है, कुछ आइडिया बताएंगे? सर ये जो कॉस्ट करता है 150 रुपीज का कॉस्ट करता है। काफी अच्छा प्राइस रखा हुआ आपने, मतलब ड्राई सेक्शन में भी प्राइस में आपको कोई ऐसा नहीं है कि, वैसे तो देखने में ऐसा लग रहा है 400-500 का होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे यहाँ पे ना आपको बेस्ट प्राइस मिलेंगे। आप अगर मेरे प्राइस कंपेयर करेंगे तो अमेजोन से आप कंपेयर करके आ सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं पे भी आपको ड्राई का जो रेट मिल रहा है उससे कुछ पैसे मेरे यहाँ कम ही मिलेंगे। ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी सस्ता मिलेगा, हालांकि बोलते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट सस्ता होता है, बट मेरे यहाँ पे आपको वैरायटी भी सारी मिल जाएगी और सस्ता भी मिलेगा सारी चीजें। जैसे कई जगह पे ना, जैसे हम गुड़गांव में सिचुएटेड है, यहाँ पे लाइट जाने की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, लाइट बहुत जाता है। अब फिशेज अगर बचाने के लिए, ये मेरे पास एक AC DC एयर पंप आता है। अच्छा, ये बैटरी पावर्ड है? बैटरी पावर्ड है, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। ओके, अच्छा, इसे लॉन्ग प्रेस करके ऑन कर सकते? हाँ जी, लॉन्ग प्रेस करेंगे ये ऑन हो जाएगा, और पीछे टैंक पे क्लिप ऑन भी हो जाता है ये। ओके, हाँ फील तो हो रहा है, ये बंद हो गया। ठीक, बेसिकली टच बटन दिया हुआ है इसका। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, तो ये ऑटो कट पे होता है, जैसे ही लाइट जाएगी ऑटोमेटिक ये DC पे शिफ्ट हो जाएगा। और ये क्या रेट में आता है? सर एक मिनट में बता देता हूँ इसका प्राइस, ये हम सेल कर रहे हैं 800 रुपीज पे, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे इसका 950 रुपीज के अराउंड रेट है अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे। यहाँ पर फिश फीडर भी है, ऑटो फीडर भी है, जैसे होम टाउन लोग जाते हैं थोड़े लंबे टाइम के लिए फिशेज को अगर छोड़ के जाते हैं तो ऑटो फीडर लगा सकते हैं, 12 घंटे 8 घंटे 6 घंटे 24 घंटे पे इसको सेट करके जितना भी आप फीड देना चाहें। और ये क्या रेट में आता है? सर ये कॉस्ट करता है 950 रुपीज। ठीक है, एक यूनिक चीज है हमारे एक्वेरियम हॉबी में, ये चीज आसानी से लोग ढूंढते हैं कि बहुत परेशान होते हैं, ये है सर पाइप को होल्डर, टैंक पे पाइप को होल्ड करने का, जब भी हम सर्विस करते हैं टैंक की, वाटर चेंजेस करते हैं, तो हमको पाइप पकड़ के खड़ा रहना पड़ता है, या फिर एक बंदा एड ऑन चाहिए होता है कि जो जाके टैप को ओपन करेगा, तो आप अगर ये यूज करते हैं तो आपको पाइप को इसके थ्रू आप क्लैंप कर सकते हैं, मतलब पाइप पकड़ने के झंझट खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितने तक का आ जाता है? सर ये 80 रुपीज का ओनली। बहुत ही अच्छा प्राइस है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और एसेसरी बताएंगे? जैसे मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एसेसरीज देखा, मेरे पास ये स्पॉन्ज फिल्ट्रेशन की वैरायटी मिल जाती है, ये प्लांटेड टैंक्स के कुछ जैसे लाइक वाटरफॉल टाइप ऑफ फिल्टर अगर कस्टमर मांगते हैं तो उसके लिए ये है। ये बेसिकली प्लांटेड में इंटरनल फिल्टर की तरह काम, इंटरनल भी आप इसको यूज कर सकते हैं और लाइक अ वाटरफॉल भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जिन फिशेज को ज्यादा फ्लो नहीं चाहिए। यहाँ आप देखेंगे तो मिस्ट मेकर यहाँ पे है, मेरे पास टर्टल लैंप मिल जाएंगे, नैनो एक्वेरियम के क्लिप ऑन लैंप मिल जाएंगे,
ये अलग चीज मैं आपको दिखाऊंगा, यूजुअली आपको आसानी से कहीं नहीं मिलती। ये फिश फीडर है और श्रिम्प फीडर है। जो लोग फिशेज या श्रिम्प को रखते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि जब वो खाना डालते हैं तो ऊपर फिशेज खा लेती है, नीचे श्रिम्प्स को नहीं मिलता। तो इसमें सेपरेट है, यहाँ से अगर आप खाना डालते हैं तो नीचे श्रिम्प्स को भी मिलेगा और जो फूड फ्लोट हो रहा है वो पूरे टैंक में नहीं फैलेगा, वो इस पार्टीशन के अंदर ही रहेगा। बेसिकली टैंक में गंदगी भी नहीं फैलेगी, गंदगी नहीं होगी। अगर फिशेज आपका वो फूड नहीं खा रही है तो थोड़ी देर बाद आप उसको निकाल भी सकते हो, तो पूरे टैंक से इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। और ये छोटा सा टैंक क्लीनर है, ये टैंक क्लीनर्स हैं मेरे यहाँ पे। अगर आप देख, और यहाँ पे मेरे पास एक्वेटिक सोइल्स हैं। अच्छा, एक्वेटिक सोइल्स मेरे पास मिल जाती हैं, 1 लीटर बैग, 3 लीटर बैग और 9 लीटर सभी अवेलेबल हैं। और यहाँ पर मैं ब्रीडिंग बॉक्सेस भी देख रहा हूँ। हाँ जी, ये ब्रीडिंग बॉक्स भी बोलते हैं इसको, बेटा टैंक्स भी बोलते हैं। ये ट्रिपल बेटा का टैंक है ये, अगर आप देखेंगे तो। छोटे में अगर जो कस्टमर बेटा रखना चाहते हैं और लाइट वगैरह सब चीज ढूंढते हैं कि टैंक में बेटा के टैंक में लाइट भी हो, तो कुछ इस टाइप का टैंक आता है। विद लाइट है, विद लाइट आता है। नाइस, ये तो बहुत बढ़िया है। यूजुअली इस तरह के टैंक्स में लाइट्स होती नहीं है। ये विद लाइट आता है और यूएसबी ऑपरेटेड है ये। ओके ओके, मेरे पास बड़े टैंक्स की लाइट की भी रेंज मिल जाएगी, डब्ल्यू आर जी बी मिल जाएंगी, नॉर्मल ब्लू एंड व्हाइट लाइट मिल जाएगी, और डब्ल्यू आर जी बी में सारे साइजेस मिल जाएंगे। ये हैंग ऑन लाइट होती है, ये नेपाल ब्रांड की है जो फोकस लाइट बोलते हैं। ओके, ये भी मिल जाएगा। बाकी रेगुलर नीचे आप देखेंगे जो छोटी एंड बड़ी लाइट है सब आपको मिल जाएंगे। सो जैसा कि मैंने देखा यहाँ पर एसेसरीज में तो कोई कमी नहीं है, आपने जैसे फिल्टर्स वगैरह हमें दिखाए, इसके अलावा आपके पास मेडिसिन वगैरह भी हैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। साथ में कुछ नेट्स वगैरह, जैसे अगर फिल्टर नेट वगैरह चाहिए तो वो मिल जाएगा। साथ में अगर प्लांट्स चाहिए, स्टोन्स चाहिए या फिर इस तरह के डेकोरेटिव आइटम्स जो होते हैं एक्वेरियम के, वो भी मिल जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े टैंक हर तरह के। सो काफ़ी अच्छे से आपने इस शॉप को सजाया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे ड्रिप फूड्स भी मिल जाते हैं, अगर आपको ज़्यादा रेंज में सिलेक्ट करना है तो आप हमारे वेयर हाउस पास में ही है, मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा, आप वहाँ पे भी जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक। सो भैया जी थोड़ा स्टोन्स के बारे में बताएंगे। देख सकते हैं ये सीरियस स्टोन है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेड स्टोन होता है, इंडिया में इम्पोर्ट किया जाता है। सीरियस स्टोन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ओके, हमारे पास ड्रैगन स्टोन अवेलेबल होते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप इस तरफ देखेंगे तो नेचुरल रिवर्स स्टोन, हमारी कोशिश होती है कस्टमर जो भी अपना सेटअप बनाए नेचुरल सेटअप में जाए ताकि फिशेस को अच्छा एम्बियंस मिले। ओके, बहुत ही बढ़िया। इस तरह के स्टोन्स मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी होते हैं आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अभी यहाँ पे शॉप पे लिमिटेड स्पेस है तो इसलिए हम लिमिटेड ही यहाँ पे रखते हैं, रेस्ट सारा हमारा स्टॉक यार्ड में होता है। ठीक। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ स्टोन्स देख रहा हूँ, ये वाले स्टोन? हाँ जी, हाँ जी, ड्रैगन स्टोन है। अच्छा, बहुत ही अमेजिंग, मतलब पानी से बाहर तो इतने ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे, बट पानी में देखने पर कितना अमेजिंग लुक आ रहा है, एकदम रेडिश कलर इसमें आ रहा है, रेडिश और व्हाइट स्टोन आ रही है, जो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है देखने में। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें मेरे पास जो कोरल्स बोलते हैं ये स्टोन्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह के स्टोन्स भी मिल जाएंगे। हाँ जी, प्लांटेड सेटअप या फिर नॉर्मल टैंक सेटअप? प्लांटेड में भी, नॉर्मल में भी, मरीन में भी, तीनों में आप इस स्टोन को यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक। एक बार आप अपने शॉप के टाइमिंग और कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस कंफर्म कर देंगे ताकि अगर कोई क्लाइंट आपके पास विजिट करना चाहे तो एक बार आ सके। जो मेरे शॉप के टाइमिंग है मॉर्निंग 10:30 से इवनिंग में 10 o'clock तक होते हैं, कोई भी कस्टमर आके विजिट कर सकते हैं। और मेरा फोन नंबर पे आप मेरे को कॉल करके आए अगर आपको कुछ भी डिटेल चाहिए, जो फोन नंबर है मेरा 8766387422। और एक बार एड्रेस भी कंफर्म करेंगे? एड्रेस मेरी शॉप लोकेटेड है सेक्टर 104 में, नियर द्वारका एक्सप्रेसवे, जो दौलताबाद राउंड अबाउट है उसके पास में मेरी शॉप है। नियरेस्ट जो अगर आप लैंडमार्क की बात करें तो बीकानेर स्वीट्स के जस्ट साथ में है मेरी शॉप। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आई होप व्यूवर्स को भी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। श्योर।